संजय सिंह भुईहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूँ। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, कदम। संजय सिंह भुईहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा, इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की बात की है तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म।